नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के आए हुए एक नए अपडेट के बारे में। जी हाँ, तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है और आपके लिए रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में स्किप करके नहीं जाएगा। आपको यहाँ पर अच्छी और एक ट्रस्टेड जानकारी मिलती है चैनल को, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसे ही रोज़ाना नॉलेजेबल वीडियो डेली चैनल पर लेके आता रहता हूँ। तो चलिए आपको बताते हैं, यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है रिगार्डिंग में एक नई न्यूज़ निकल के आई, वो ये है दोस्तों, यहाँ पे 1 जुलाई 2020 से ड्राइविंग लाइसेंस में जो चिप होती है वही ड्राइविंग लाइसेंस देश में मान्य होंगे, उसी की यहाँ पे वैलिडिटी रिन्यूबल और जो करेक्शन वगैरह किया जाता है उन्हीं ड्राइविंग लाइसेंसों का किया जाएगा जिनमें चिप लगी होगी। तो ऐसा केंद्र सरकार ने इसने बोला है, क्योंकि दोस्तों पहले के टाइम में मैन्युअली काम किया जाता था, तो पहले मैन्युअली जब काम होता था तो चिप वगैरह ना भी रहे उस ड्राइविंग लाइसेंस में तो भी उसका काम हो जाता था, लेकिन अभी दोस्तों सारे काम जो होते हैं, ज़्यादातर काम वो सब कंप्यूटरीकृत हो गए हैं, कंप्यूटर से किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो चिप वाले ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं उनको रिन्यूबल करना, उनकी वैलिडिटी को इंक्रीज करना और वहाँ पे करेक्शन वगैरह उसमें करना, एड्रेस वगैरह चेंज जो होता है, ये सब करने में काफ़ी सहूलियत होती है कंप्यूटर से। लेकिन दोस्तों वहीं पे एज कंपेरेटिव जिनमें चिप नहीं लगी होती है ड्राइविंग लाइसेंस में, उनके इन सभी कार्यों में जो एडिटेशन होता है इनमें दोस्तों काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो केंद्र सरकार ने इसे को मद्देनज़र रखते हुए बोल दिया है कि अब दोस्तों जो ई चिप जिसमें चिप लगी होती है प्लेटिनियम चिप, अगर आपने नहीं देखा हो तो मैं आपको वहाँ पर दिखा देता हूँ फ़ोटो में, आप समझ जाएंगे। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो माइक्रोचिप वहाँ पे लगी होती है प्लेटिनियम की, जैसे आप सिम कार्ड आपके पास होता है तो नीचे के साइड में आप देखते होंगे प्लेटिनियम चिप लगी होती है, उस सेम वसी तरीके की ये भी चिप होती है। तो ये चिप जब आपके ड्राइविंग लाइसेंस में लगी रहेगी तभी आपका लाइसेंस रिन्यूअल वगैरह किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर निकल के आई है दोस्तों कि 1 जुलाई 2020 से उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस का काम किया जाएगा रिन्यूअल या फिर एडिटेशन करेक्शन जिनमें ई चिप लगी होगी। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस अभी तक चिप वाला नहीं है तो आपको वहाँ पे एक महीने की मोहलत दी जाएगी, उस एक महीने में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट कराना है। अपडेट कराने के बाद ही आपका ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल या फिर और काम उसमें किए जाएंगे, तभी ये स्वीकार किया जाएगा RTO में। तो ये बड़ी खबर निकल के आ रही थी दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस रिगार्डिंग में, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के आपको अवगत करा दिया, ये मेरा काम है दोस्तों। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, लाइक करना आप भूल जाते हो, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो डेली चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। अब मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।